हेलो गाइस, वेलकम टू एंड्रॉयमेंट नॉलेज प्लेटफॉर्म। गाइस, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 33 और 11 केवी के लाइन में बेसिक क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लाइन 33 की है और कौन सी लाइन 11 केवी की है। तो इस वीडियो में दो डीपी हैं, एक रोड के पास में है जो सीमेंट पोल पे है, और सेकेंड वाला खेत में है जो कि रेल पोल पे है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है वो तीन लगा हुआ है। हर फेज़ में तीन फेज हैं, एक फेज़ में तीन, सेकंड फेज़ में तीन, थर्ड फेज़ में तीन। वैसे ही इस सीमेंट वाले पोल पे देखते हैं कि फर्स्ट फेज़ में सिंगल एक, सेकंड फेज़ में एक, थर्ड फेज़ में एक। और सेकंड चीज़ क्या है कि रेल पोल लंबी है, वो 13 मीटर की है, और ये जो पीएससी पोल है वो 11 मीटर की है। तो इसे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो ऑफ कोर्स 33 की होगी जो खेत में है, रेल पोल पे है, और ये सीमेंट की पोल है वो 11 केवी की है। लेकिन कभी कभार सेम लाइन कहने का अर्थ 33 का और 11 का सेम पोल पे, रेल पोल पे भी हो सकता है 11 का और 33 का, और सीमेंट के पोल पे भी 11 का और 33 का हो सकता है, या होता भी है। वो तो डिपेंड करता है कि प्लान में जो गवर्नमेंट का प्लान है, कोई योजना है, उसमें क्या जीटीपी है, जीटीपी के हिसाब से रेल पोल इरेक्ट करना है, गाड़ना है, या फिर सीमेंट का पोल है। तो हम इसमें तो इजीली रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सीमेंट के पोल पे ही 33 का भी लाइन होता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, बेसिक फंडा है पहचानने का कि 33 में हमेशा ऑलवेज तीन डिस्क इंसुलेटर फेज वाइज लगाए होते हैं। हर फेज़ में आर वाई बी में तीन तीन तीन, यानी कि नौ डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं हम लगा हुआ है। और 11 के भी की बात करते हैं तो इसमें 70% चांस होता है, या देखने को भी मिलता होगा कि फेज़ वाइज सिंगल 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 होता है, यानी कि एक दो तीन, तीनों फेज़ में तीन होता है। लेकिन कभी कभी 11 केवी के लाइन में डिस्क इंसुलेटर दो दो भी होते हैं फेज़ वाइज, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के प्लान पे, लेकिन दो से अधिक नहीं होंगे, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो पहला पहचानने का तरीका हुआ कि जब हम मूव कर रहे हैं तो लाइन के डिस्क इंसुलेटर को देखेंगे। डिस्क इंसुलेटर कहाँ मिलेगा, डीपी के पॉइंट पे, या फिर कहीं से लाइन टर्न कर रही है कट पॉइंट पे। कट पॉइंट चैनल क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हर डीपी के पास में आपको डिस्क इंसुलेटर मिलेगा, तो बेसिक फंडा है पहचानने का। फिर सेकंड चीज़ बताते हैं। सेकंड चीज़ में देखिए, हम सिंगल पोल के पास आ गए, आगे खेत वाला 33 का सिंगल पोल है जो रेल पोल पे है, और 11 का जो है वो पीएससी पोल पे है। उसका वी क्रॉस आर्म देखिए, वी क्रॉस आर्म जो आर्म टाइप का लगा हुआ है पोल पे, तो ये देखिए, ये पीएससी का 11 पीएससी का रेल पोल के कंपेरेबल जो है छोटा है, डिस्टेंस दूरी है, देखिए उसकी लंबाई इससे छोटी है। प्लस में उसका जो पिन इंसुलेटर लगा हुआ है, सिंगल पोल पे जो इंसुलेटर लगा होता है उसको पिन इंसुलेटर बोलते हैं, जो पिन इंसुलेटर लगा हुआ था है उसकी भी साइज इसके कंपेरेबल में बड़ी होती है। तो ये पहचानने का सेकंड तरीका हो गया। पहला क्या था, डिस्क इंसुलेटर के माध्यम से, और सेकंड क्या है, पिन इंसुलेटर के माध्यम से, या फिर वी क्रॉस आर्म के साइज से। ये पहचानने का बेसिक फॉर्मूला है। कभी कभार हम कंडक्टर के साइज़ को देख के भी पहचान जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, इन माय पर्सपेक्टिव, ये फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन का कोई रूल नहीं है, या फिर इसको नहीं, हम इससे कंफ्यूजन हमें बढ़ सकती है। क्योंकि कभी कभी देखिएगा कि डॉग कंडक्टर का एक टाइप होता है डॉग, जैसे वीजल हो गया, रैबिट हो गया, जेवरा हो गया, तो डॉग कंडक्टर से 11 का भी कभी कभी खींचा जाता है, और 33 का भी। आप देख सकते हैं कि सेम कंडक्टर से, जैसे अभी स्टेट प्लान जो है बिहार सरकार का, उसमें डॉग कंडक्टर से 33 का लाइन खींचा हुआ है, कहीं कहीं देखिएगा कि 11 का भी का लाइन खींचा हुआ है।
तो इससे हम नहीं पहचान सकते हैं। बेसिक पहचानने का यही तरीका है कि डिस्क इंसुलेटर के थ्रू और उसके वी क्रॉस आर्म साइज़ के थ्रू, या फिर जो पिन इंसुलेटर का साइज है उसको देख के पहचान सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।